हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए टाइप के सर्चिंग के बारे में, जो है हमारा बाइनरी सर्च। ऑलरेडी आपको पता है, अगर आप चाहे जावा के किसी भी तरह के सिलेबस में जाए, चाहे वो कोर जावा में, चाहे वो एडवांस जावा में, सर्चिंग जो है वो ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट्स में। सबसे पहले वाले को हम लोग कहते हैं लीनियर सर्च, जो हम ठीक इसके पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, और आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा बाइनरी सर्च, जो कि एक दूसरे तरह का सर्चिंग है। लीनियर सर्च वाज़ द फर्स्ट वन और ये है हमारा दूसरे तरह का सर्चिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्चिंग जो है वो दो तरह का है, एक है लीनियर सर्च और एक है बाइनरी सर्च। तो अगर लीनियर सर्च हमारे पास था तो बाइनरी सर्च की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि लीनियर सर्च जो है वो कंपैरेटिवली स्लोअर सर्च करता है, यानी कि बहुत स्लो सर्च करता है, जबकि बाइनरी सर्च जो है वो एक फास्टर टाइप का सर्चिंग है, यानी कि इसकी सर्चिंग जो होती है काफी फास्ट होती है एज कंपेयर टू विच वन, लीनियर सर्च। तो स्पीड के मामले में, डेटा को सर्च करने के मामले में बाइनरी सर्च बहुत ही ज्यादा स्पीड होता है इसके पास। अब लीनियर सर्च तो चलिए हम पढ़ चुके हैं, बाइनरी सर्च में एक प्री रिक्विजिट कंडीशन होता है, यानी कि प्री कंडीशन उसको कहते हैं हम। प्री कंडीशन का मतलब क्या होता है कि बाइनरी सर्च को करने से पहले वो कंडीशन मैच करनी चाहिए, और वो कंडीशन क्या होती है कि ऑल द एलिमेंट्स शुड बी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऑल द एलिमेंट्स शुड बी इन शॉर्टेड ऑर्डर, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग हो, कोई भी हो, लेकिन शॉर्टेड ऑर्डर में ही ये होना चाहिए, तभी आपका जो है बाइनरी सर्च काम करेगा। अगर आपका जो एलिमेंट है, जो आपके एरे के एलिमेंट्स हैं, अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो आपका जो है वो ये मतलब जो भी बाइनरी सर्च का कंसेप्ट होता है वो वर्क नहीं करेगा, ये याद रखिए। तो चलिए पहले हम ये समझेंगे कि बाइनरी सर्च एग्जैक्टली कैसे वर्क को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम एक ए नाम का एरे लेते हैं, राइट? और इस ए नाम के एरे में मान लीजिए टोटल एलिमेंट्स 10 है, 10 एलिमेंट्स के लिए हम बेसिकली लेते हैं, हालांकि आप चाहें तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने ले सकते हैं, लेकिन मैं 10 नंबर्स लेता हूं। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और क्या 9, ठीक है। एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में मैं लेके चलता हूँ असेंडिंग ऑर्डर, आप चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी लेके चल सकते हैं, ग्रेटर देन को लेस देन में चेंज कर दीजिएगा बस। अब मान लीजिए एलिमेंट्स है 5, 9, 10, 18, 25, 27, 30, 35, 40 और 50, मान लीजिए आपके एलिमेंट्स हैं जो शॉर्टेड ऑर्डर में पड़े हुए हैं। अब आपने एरे एलिमेंट पूछ लिया, ठीक है। अब आप की पूछते हैं, की मतलब वो वैल्यू जो आप सर्च करना चाहते हैं। सपोज ये यूजर कहता है कि मुझे 35 सर्च करना है, या यूजर कुछ भी कह सकता है। तो फॉर एन एग्जांपल मैं कहता हूं कि 35 क्या करना है, यूजर को सर्च करना है, तो की में यूजर ने क्या दे दिया है, 35 दे दिया है। अब कैसे सर्चिंग होगी, ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी को यहां ना लिख के मैं इधर लिख देता हूं कि की जो है हमारा 35 है, यानी हम 35 को सर्च करना चाहते हैं। सर्चिंग का तरीका क्या होता है, कौन से एल्गोरिथम पे ये काम करता है वो समझना जरूरी है, उसे समझिएगा। इसके एल्गोरिथम ये है कि सबसे फर्स्ट एलिमेंट को मतलब फर्स्ट इंडेक्स को कोई एक वेरिएबल दे दिया, जैसे मान ली मैंने आई दे दिया, तो आई को मैंने 0 पे सेट कर दिया, जबकि जे को मैं लास्ट पे सेट करता हूँ, यानी कि जो भी साइज होगा उससे एक कम। तो हमारा 10 साइज है तो 9th इंडेक्स पे, यानी कि आई अभी क्या है, 0 है, और जे जो है वो क्या है, 9 है। होगा क्या, आई हमेशा आगे बढ़ेगा और जे हमेशा पीछे जाएगा, और कंडीशन कब तक होगी, जब तक आई छोटा है या बराबर है जे के। क्यों? क्योंकि आई तो आगे बढ़ते चला जाएगा और जे पीछे आएगा, तो जब तक दोनों बराबर है तब तक तो ठीक है, लेकिन आई अगर क्रॉस कर गया जे को तब हमारा लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। होता क्या है, चलिए वो बाद की बात है, पहले यहां देख लेते हैं, आई 0 है, जे 9 है। सबसे पहले हम मिड को निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मिड निकालते हैं। तो मिड कैसे निकलेगा, मिड मतलब बीच का, तो हम यहाँ क्या करते हैं, आई प्लस जे अपॉन 2। तो चलिए इस कंडीशन में अगर हम मिड निकालते हैं, जब आई हमारा 0 है, ठीक है, आई को हमने कितना सेट किया है, 0 पे, जे को कितना सेट किया है, 9 पे। तो अब कहता है क्या कि मिड निकालिए, तो मिड क्या निकलेगा, आई प्लस जे, यानी कि 0 प्लस 9, तो 0 प्लस 9 अपॉन 2, दैट मीन 4.5, तो पॉइंट तो लेगा नहीं, तो मिड आ गया 4 पे। तो ये हो गया मेरा मिड। जो भी काम हम करते हैं वो मिड के जरिए ही करते हैं।
अब जो ए के मिड की वैल्यू, एरे का नाम ए है, मिड इज द इंडेक्स, देखिए आई 0 है, ए ऑफ आई 5 है, मिड 4 है, ए ऑफ मिड 25 है, जे 9 है और ए ऑफ जे कितना है 50 है, ये हमेशा याद रखिएगा। अभी मिड जो है वो इंडेक्स को डिनोट कर रहा है, यानी मिड क्या है हमारा 4 है। अब क्वेश्चन ये होता है कि आप मुझे ये बताइए कि हम कब तक ये मिड निकालते रहेंगे, कब तक, बार बार, हमेशा? नहीं, मैंने अभी आपको कंडीशन बताया कि हम तब तक निकालेंगे जब तक कि वाइल आई जो है वो इज लेस देन इक्वल टू क्या है, जे है। और साथ ही साथ हम एक फ्लैग ले लेते हैं, फ्लैग क्यों होता है आपको पता है, अगर 0 है तो मतलब थ्रू आउट 0 है, ठीक है, मतलब मिला नहीं, और जैसे ही मिल जाएगा वैसे हम जो है लूप टर्मिनेट कर देंगे। तो वाइल जब तक कि आई लेस देन इक्वल टू जे एंड फ्लैग जो है वो क्या है, जब तक 0 है, क्यों, क्योंकि 1 हो गया इसका मतलब मिल गया। तो ये कंडीशन मैं आपको समझा चुका था, आई बढ़ रहा है, जे घट रहा है और फ्लैग जब तक 0 है। अब हम इसमें मिड निकालते हैं, तो मिड की वैल्यू क्या होगी, आई प्लस जे बाई 2, तो इस केस में मिड निकल गया 4। अब जब मिड 4 निकल गया तो ए का मिड यानी 25 या तो इसकी के बराबर होगा, तो हम चेक करेंगे कि अगर ए के मिड में रखी हुई वैल्यू, देखिए सब में सेमी कॉलन लगा लीजिएगा, ठीक है, तो ये अगर ए के मिड में रखी हुई वैल्यू जो है वो क्या है, बराबर है किसके, की के, तो इस केस में तो नहीं है, तो छोड़िए क्या करना है हम बाद में देखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि अगर ए के मिड की वैल्यू, देखिए कोई नंबर, कोई दो नंबर को जब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो या तो बराबर होगा, या तो बड़ा होगा, या तो क्या होगा, छोटा होगा, यही तीन चीज होगा, उन्हीं तीन चीजों के लिए हम यहां सर्च कर रहे हैं। या तो ए का मिड जो है वो बड़ा है किससे, की से, तो ए का मिड जो है जब बड़ा होगा की से, ए का मिड 25 बड़ा है 35 से, नहीं 25 तो बड़ा नहीं है 35 से, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, अब इसमें क्या होगा वो भी हम बाद में देखेंगे। तीसरा कंडीशन क्या आता है कि अगर ए का मिड छोटा है किससे, की से, तो अब चलिए इसको चेक करके देखिए कि क्या ये सही है। तो ए का मिड का मतलब क्या, वो 25, 25 जो वो छोटा है 35 से, हाँ जी बिल्कुल 25 छोटा है 35 से, तो अगर ये जो वैल्यू है ये छोटी है जो हम सर्च कर रहे हैं उससे, इसका मतलब इसके इधर तो वैल्यूज मिलेंगी ही नहीं ना, वैल्यू जो है वो सीधे इसके बाद मिलेंगी, क्यों, क्योंकि मिड से पीछे की तरफ तो सारे इससे भी छोटे हैं, तो जाहिर सी बात है इस साइड में तो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे नहीं, हमें जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो आगे की तरफ मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा देखिए इस आई को हम यहां से हटाएंगे और मिड प्लस 1 पे डाल देंगे, तो बस एक ही स्टेटमेंट है क्या, आई इक्वल टू व्हाट, मिड प्लस 1। तो इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, आई को यहां से उठा के, मिड यहां पे था तो मिड प्लस 1 यहां पे आ गया, मतलब इधर हमने अब इस साइड में, इस मिड के लेफ्ट साइड में हमें ढूंढना ही नहीं है क्योंकि इसके पीछे तो सारे छोटे हैं, अब हमें इसके आगे ही ढूंढने का काम क्या करना है, स्टार्ट करना है, इसीलिए हमने क्या किया, आई को उठा के यहां डाल दिया, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, हमने क्या किया, एक ही बार में 10 एलिमेंट को 5 में कन्वर्ट कर दिया, 5 को छाट दिया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सर्चिंग कैसे काम करती है, बहुत ही फास्ट, 1 करोड़ रिकॉर्ड में से 50 लाख रिकॉर्ड पहली बार में छट गए, फिर अगली बार 25 रिकॉर्ड छट गए, 25 लाख, फिर अगली बार 12.5 लाख रिकॉर्ड छट गए। इसका मतलब क्या हुआ, सर्चिंग एक्सट्रीमली फास्ट हो रही है, जबकि लीनियर सर्च में एक एक करके लास्ट तक क्या होता है, सर्च होता है, ठीक है। अब जब ये हो गया तो ये वाइल बंद हो जाएगा, ठीक है, अब जब ये कंडीशन ट्रू था, अभी देखिए हमने ये नहीं जाना है कि इसमें क्या करना है, हमने ये नहीं जाना है कि इसमें क्या करना है, अब ये लूप है तो ये फिर से ऊपर जाके चेक करेगा, ये कंडीशन क्या कंडीशन है कि आई इज लेस देन इक्वल टू जे है क्या, देखिए खुद से आई की वैल्यू कितनी है 5, जे की 9, 5 इज लेस देन 9 है, हाँ जी, फ्लैग 0 है तो हाँ फ्लैग तो शुरू से ही 0 सेट है, फिर से मिड निकलेगा, तो निकालिए फिर से मिड, क्या होगा, आई प्लस जे अपॉन 2 है ना, आई कितना है 5, जे कितना है 9, 9 5 14, 14 अपॉन 2 इज व्हाट 7, तो अब मिड कितना पे आ गया, 7 पे आ गया। ओके नाउ चेक करते हैं कि ए ऑफ मिड जो है वो इक्वल टू है की के, तो ए ऑफ मिड मींस व्हाट 35, 35 इक्वल टू है 35 के, हाँ जी बिल्कुल इक्वल है, तो आप क्या करेंगे, फ्लैग को 1 पे सेट कर देंगे, फ्लैग इक्वल टू 1, और पोजीशन में क्या डाल देंगे, मिड प्लस 1 को डाल देंगे, क्या फायदा होगा इससे, फ्लैग 1 हो जाएगा, यानी जो भी हम फ्लैग 0 करके बैठे पड़े हैं कि हमें एलिमेंट नहीं मिला, कहां पे, यहां पे, वो जैसे ही हमें मिल गया यहां पे मिल गया, 35 इक्वल 35 के, तो फ्लैग हो जाएगा 1, तो 0 से क्या हो गया 1 हो गया,
और पोजीशन इक्वल टू मिड प्लस वन, और पोजीशन में क्या चला जाएगा, तो मिड प्लस वन का मतलब हुआ मिड में सेवन है तो एट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पोजीशन बताएंगे तो इंडेक्स नहीं बताएंगे ना किसी को, अब किसी, क्योंकि हमारी नंबरिंग तो जीरो से स्टार्ट होती नहीं, हम सर बोलते हैं जीरो वन टू, नहीं हम तो वन टू थ्री फोर कहते हैं, इसीलिए हमने पोजीशन में हमने यहाँ क्या डाल दिया, मिड प्लस वन डाल दिया है। ओके, ये जब हो गया तो फिर आगे ये भी चेक करेगा तो फॉल्स मिलेगा, ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन की 35 35 से बड़ा है नहीं, ए ऑफ मिड इज लेस देन की 35 35 से छोटा है नहीं, तो फिर ये यहां से कहां जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये तो सही होगा इस बार भी, आई इज लेस देन जे, 5 इज लेस देन 9, परफेक्ट। लेकिन क्या फ्लैग जीरो है? नहीं, फ्लैग वन हो चुका है। तो चूंकि यहाँ पे ये एंड से जुड़ा हुआ है, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट होगा। यहाँ बाहर चेक कर लीजिए कि अगर फ्लैग की वैल्यू जो है, इफ फ्लैग इज इक्वल टू वन, तो क्या करेंगे आप, मैसेज प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन नंबर फाउंड, ठीक है। और पोजिशन अगर देना चाहे तो पोजिशन भी दे सकते हैं, किसमें, नंबर फाउंड और किस पोजीशन पे, तो प्लस POS पोजीशन पे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नंबर नॉट फाउंड, यानी कि अगर जीरो का जीरो रह गया तो नंबर क्या करेंगे, हम नंबर नॉट फाउंड कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, तो मिल यहां पे तो कंडीशन क्या मिल गया, अब ये एक चीज मेरा कंडीशन रह गया, ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन की, तो मान लीजिए मैं 35 ना सर्च करके मैं 30 सर्च कर रहा था, तो अभी क्या होता, ए ऑफ मिड यानी 35 इज ग्रेटर देन की, तो 35 जो है वो 30 से बड़ा है, 35 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जब ये 35 बड़ा है इससे, तो हम इसके बाद तो सर्च ही नहीं करेंगे ना, क्यों, क्योंकि इसके बाद तो सारे बड़े होंगे इससे, हमें इसके पहले सर्च करना है, तो हम जे को यहां से उठाएंगे और मिड माइनस वन पे डाल देंगे। तो हम यहां पे बस एक लाइन लिखेंगे, क्या, जे इक्वल टू मिड माइनस वन, और चूंकि ये एक ही स्टेटमेंट है इसीलिए आप ये कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज मर्जी है आपकी, करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक है, इसी लॉजिक से हम चलेंगे और फाइनली हमें मिलेगा नंबर तो हम बता देंगे मिला, नहीं मिलेगा तो बता देंगे नहीं मिला। इसी चीज को प्रोग्रामेटिक, हालांकि मैंने प्रोग्राम लिख दिया है, एग्जैक्टली मैंने प्रोग्राम बिल्कुल सेम लिख दिया है, ठीक है। अब बस पूरा प्रोग्राम मुझे लिखना, बाकी है मैंने आपको वर्किंग समझा दिया है, तो चलिए मुझे, मैं प्रोग्राम लिख के भी वो आपको समझा देता हूं। तो चलिए प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, और ऑब्वियसली बात है प्रोग्राम का जो हमारा सबसे पहला लाइन होगा वो होगा इम्पोर्ट स्टेटमेंट। तो हम लिखते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर का एस कैपिटल हो जाएगा। अब इसके अंदर हम एक क्लास शुरू करते हैं, मान लीजिए मैं देता हूं क्लास बाइनरी सर्च, या सिर्फ बाइनरी देता हूं, ये चलिए बाइनरी सर्च ही पूरा क्लास का नाम दे देता हूं, बाइनरी अंडरस्कोर सर्च। और इसके अंदर अब मैं अपना काम शुरू करता हूं, सबसे पहले मैं एक एरे मानूंगा, तो इंटीजर टाइप का एक ए नाम का मैं एरे मानता हूं, इक्वल टू न्यू इन, यानी कि नया इंटीजर टाइप का एरे है, इसकी कैपेसिटी मैं दे देता हूं 10। और उसके बाद मैं एक इंटीजर टाइप का की मानता हूं, जो हमारा वो वैल्यू होगा यूजर जो है वो सर्च करेगा। अब हमने दोनों चीजें मान ली, यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए हमें गेट डेटा फंक्शन लेते हैं, तो हम लेते हैं void फंक्शन का नाम है क्या, गेट डेटा। ओके, इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले, तो स्कैनर टाइप का sc इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन, ठीक है। ये हमारा हो गया आपको स्कैनर का ऑब्जेक्ट। अब हम मैसेज प्रिंट करेंगे, क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट ln, क्या प्रिंट करना है हमें, तो हमें प्रिंट करना है एंटर। वैसे हमें एरे को इनपुट लेना है तो ऑब्वियस बात है हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लूप लगाना पड़ेगा, इसलिए पहले लूप लगा लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले लूप लगाएंगे, तो लूप होगा फॉर इंटीजर टाइप का एक आई वेरिएबल ही मानना पड़ेगा सबसे पहले, तो यहाँ इंटीजर टाइप का एक हम आई वेरिएबल मान लेते हैं। उसके बाद हम लूप लगाएंगे क्या, फॉर आई इक्वल टू जीरो, और हमारा कैपेसिटी कितना है 10 है, तो आई इज लेस देन क्या 10, और आई प्लस प्लस इसके अंदर मैसेज देंगे बार बार, ये 10 नंबर को एक्सेप्ट करने का ये लॉजिक आपको पता है, तो हम यहां देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट ln, मैसेज हमारा है एंटर नंबर, तो ये क्या करेगा, नंबर को एंटर करेगा, करने का मैसेज डालेगा, और उसे हम रीड कर लेंगे a ऑफ i में। तो पहली बार अगर i 0 है तो पहला a ऑफ 0 भी रीड होगा,
अगली बार आई वन है, तो ई एफ वन में रीड होगा, फिर ई एफ टू में आप जानते हैं ये बहुत बार हम लिख चुके हैं, तो ई एफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस सी डॉट क्या नेक्स्ट इंट। ओके तो ये हो गया हमारा रीडिंग। अब हम क्या करेंगे, यूजर से यहीं पे पूछ लेंगे कि कौन सी वैल्यू आप सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैसेज हम डिस्प्ले करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एल एन एंटर नंबर टू सर्च, यानी वो नंबर दीजिए जो आप सर्च करना चाहते हैं, और जो भी वैल्यू यूजर देगा उसको हम की वर्ड रीड कर लेंगे, तो की इक्वल टू व्हाट, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। और हमारा ये हो गया गेट डेटा फंक्शन का काम कंप्लीट। ओके तो इस गेट डेटा में हमने क्या कर लिया, यूजर से इनपुट का वर्क परफॉर्म कर लिया, अब सर्च का काम करते हैं। तो चलिए इसके बाद सीधे हम यहां सर्च पे आते हैं, तो void फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है सर्च, और अब इसके अंदर हम सर्चिंग परफॉर्म करते हैं, तो बिल्कुल वही सारे काम करेंगे जो हमने अभी तुरंत किए थे। इंटीजर टाइप एक आई लेंगे, एक जे लेंगे, एक मिड लेंगे, और एक क्या लेंगे, फ्लैग लेंगे। ओके वेरिएबल्स ले लिए, अभी मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ सेमी कॉलन, ताकि अगर और भी वेरिएबल्स की जरूरत पड़े तो वो हम ले सके। आई कितना पे सेट करेंगे, जीरो पे, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट इंडेक्स है। जे इक्वल टू कितना, नाइन, पे हमें पता है लास्ट इंडेक्स यही है। और फिर यहाँ पे लूप क्या लगाएंगे, सॉरी लूप लगाने से पहले हम फ्लैग को भी सेट करेंगे ना, यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लैग को सेट करेंगे। तो आई विल राइट फ्लैग इक्वल्स व्हाट, जीरो। उसके बाद इसके अंदर लूप लगाएंगे, और वो लूप क्या होगा, जब तक कि आई इज लेस देन इक्वल टू जे एंड एज वेल फ्लैग इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, तब तक हमारा चलेगा। इसके अंदर हम आते ही मैंने बताया आपको कि मिड निकालते हैं, तो मिड कैसे निकलेगा, तो आई प्लस जे अपॉन क्या टू, ये हमारा निकल गया मिड। अब हम चेक करते हैं कि अगर ए ऑफ मिड की वैल्यू, व्हाट ए ऑफ मिड की वैल्यू जो है वो इक्वल है किसके, की के, तो हम क्या कर देते हैं, इन दैट केस वी से कि फ्लैग को कर दो वन। देखिए पोजीशन नाम के वेरिएबल की जरूरत पड़ गई ना, इसलिए मैं यहाँ पे लास्ट में सेमी कोलन नहीं देता। और फिर हम यहाँ क्या करेंगे, पोजीशन इक्वल टू मिड प्लस वन। ओके अब इसके बाद नेक्स्ट होगा, इफ ए ऑफ मिड, यानी ए ऑफ मिड की वैल्यू जो है वो बड़ी है किससे, की से, तो बड़ी है मतलब ए ऑफ मिड। अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं देखिए लॉजिक को ना समझ के लिखिएगा तो बहुत हमेशा अच्छा होगा। मान लीजिए ये पांच, ये दस और ये पंद्रह था, ये आई था, ये जे था, तो ऑब्वियसली बात है ये मिड होगा। तो यहाँ पे क्या कहता है, ए ऑफ मिड, जैसे मान लीजिए मैं सर्च करना चाहता हूँ किसको, की में मैंने दिया मैं पांच सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ए ऑफ मिड यानी कि टेन बड़ा है की से, तो की से बड़ा है, फाइव से बड़ा है, तो टेन बड़ा है फाइव से, जी हाँ बड़ा है, तो इसके बाद इधर मिलेगा नहीं, तो मिलेगा किस साइड, इस साइड, तो हम जे को उठा के इस साइड लेके जाएंगे मिड माइनस वन पे, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे जे इक्वल्स टू मिड माइनस वन। और ठीक इसी तरीके से तीसरा कंडीशन क्या था, कि अगर ए ऑफ मिड जो है वो क्या है, छोटा है की से, ठीक है, तो जैसे यहां मान लीजिए मुझे सर्च करना था क्या 15, तो ए ऑफ मिड मतलब 10, 10 छोटा है 15 से, तो जी हाँ बिल्कुल छोटा है, तो जब छोटा है तो उसके इसमें क्या करेंगे, तो इस साइड तो मिलेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली इस साइड जाना है, तो हम आई को उठाएंगे और मिड प्लस वन पे सेट कर देंगे, तो मैं क्या लिखूंगा, आई इक्वल टू मिड प्लस वन, दैट्स इट। अब बाहर निकल के मुझे चेक कर लेना है कि हमारा मिला या नहीं मिला, तो हम यहां चेक कर लेंगे कि अगर फ्लैग जो है, इफ फ्लैग इक्वल टू जीरो, तो मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एल एन नंबर नॉट फाउंड, यानी कि हमें नहीं मिला। ओके नॉट फाउंड, और अदरवाइज यानी कि एल्स हम क्या प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एल एन नंबर फाउंड, ठीक है, एट, और जो भी पोजिशन हम देना चाहते हैं, प्लस पीओ एस, क्योंकि पीओ एस में हमने पोजिशन डाला हुआ है, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद क्या होगा, ये सर्च फंक्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद जब देखिए यहां देखिए गेट डेटा शुरू हुआ, गेट डेटा बंद हो गया, सर्च शुरू हुआ, ये सर्च बंद हो गया। अब ये क्लास जो मैंने शुरू किया था वो क्लास में बंद कर दूंगा। तो ये मेरा एक क्लास बना जिसमें हमने इनपुट भी लिया और सर्च भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, फंक्शन को कॉल, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एक क्लास बनाना होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड को डालेंगे। तो मान लीजिए मैं एक क्लास बनाता हूं और क्लास का नाम मान देता हूं डेमो, ठीक है, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, पब्लिक
static void main string args या यही मान लेता हूं मैं, मान लीजिए नाम तो कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर आते ही आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा बाइनरी सर्च टाइप का, तो आप लिखेंगे बाइनरी अंडरस्कोर सर्च टाइप का डबल ए इक्वल टू न्यू बाइनरी अंडरस्कोर सर्च, राइट। अब ये डबल ए बन गया ऑब्जेक्ट, इस डबल ए ऑब्जेक्ट का यूज करके अब आप सबसे पहले किसको कॉल करेंगे, गेट डेटा फंक्शन को, तो इससे हो जाएगा आपका इनपुट, ओके। और फिर दूसरी बार किसको कॉल करेंगे, पुट डेटा को, तो डबल ए के जरिए आपने किसको कॉल कर दिया, पुट डेटा को, नॉट पुट डेटा, फंक्शन का नाम क्या है यहाँ, सर्च है, तो यहाँ पे आपने किसको कॉल कर दिया, सर्च को, तो ये हो जाएगा आपका सर्चिंग का टास्क परफॉर्म। आपने बंद कर दिया वॉइड मेन को, आपने बंद कर दिया क्लास को। इस प्रोग्राम का नाम होगा demo.java, क्यों, रीजन आप जानते हैं, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्यों इस प्रोग्राम का नाम demo.java होगा, क्योंकि मैं हर प्रोग्राम हर वीडियो में बताता हूं, तो आप मुझे जरूर बताइए। तो चलिए मैं हट जाता हूं, थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं बोर्ड पे, और ये कंप्लीट प्रोग्राम है किस लिए, बाइनरी सर्च का यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ ये प्रोग्राम हो गया तो हमारा सर्चिंग कंप्लीट, दो ही सर्चिंग होती है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, जो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम शॉर्टिंग की वीडियो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।